काहे विधि तुम्हें रिझाऊं, मैं ऐसा कौन सा मार्ग अपनाऊं, ऐसा कौन सा साधन करूं जिससे तुम रिझ जाओ। किसी भी साधन में तुम तक पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो आपकी कृपा में है। आपके चरणों तक एकमात्र और एकमात्र आपकी कृपा ही पहुंचा सकती है। इसीलिए हे कृष्ण वल्लभा, हम पर अपनी कृपा करो। राधा स्वामिनी, कब मुँह पे तुम कृपा करोगी, कब तन मन की सुध बिसराऊं, नूपुर की ध्वनि में खो जाऊं, कब नैनन की प्यास बढ़ेगी, हृदय चित्त पिघले अरु हर क्षण, विरह ताप में डोलूं वन वन, कब चरणन की सेवा मिलेगी, कब मुँह पे तुम कृपा करोगी। आठों प्रहर करूं स्मरण तिहारो, निज दासी को देओ सहारो, कब तुम कृपा की कोर करोगी। अयोग्य जान मुहे नाही बिसारो, अब केवल अवलंब तिहारो, दासी की कब विनय सुनोगी, हे स्वामिनी कब मुँह पे तुम कृपा करोगी। राधा राधा।
करुणामयी श्री राधे। अवगुण मोसे बिसरत नहीं, मैं लाख प्रयास करूं किंतु इन अवगुणों को अपने आप से दूर नहीं कर पाती। लेकिन महापुरुषों का वचन है, रसिकों की वाणी है कि श्री राधा करुणामयी है। वो किसी का अपराध नहीं देखती, वो किसी का अवगुण नहीं देखती और बिना कारण कृपा की बरसात करती है। हे करुणामयी श्री राधे, आपकी करुणा के ही भरोसे मेरा जीवन है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप करुणा निधि होने के नाते मेरे सब अवगुणों को, सब अपराधों को विसार कर मुझे सदा सदा के लिए अपने चरणों की दासी बना लेंगी। राधा 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 प्यारी।